अस्सलामुअलैकुम। तो आज जा रही हूँ मैं शाही ठंडाई बनाने के लिए। तो ये मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली लेकर आई थी, तो मैं बनाकर मैंने इसको बहुत बार यूज़ की, तो मैंने सोची मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं ये, तो चले इसको बताती हूँ मैं कैसे बनाते हैं। Yes, we are our तो ये मेरे घर पे श्रुति और क्या फातिमा दोनों जन बहस कर रहे हैं BTS पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर डायरेक्शन लिखा है इसको कैसे बनाते हैं। तो मतलब अगर हम चार पार्ट अगर दूध ले रहे हैं तो एक पार्ट हमें ये शाही ठंडाई चाहिए। तो और इसको जब हम ऐड करते हैं ना इसमें, तो उसको शेक करके ऐड करना रहता है। तो आप लोग इसका डायरेक्शन देख लें, बट हम औरतें हैं, हम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये दूध बॉईल हो चुका है, तो दूध में मैंने थोड़ा सी पानी ऐड की थी जो पन्नी होता है उसको धोकर। तो ये दूध गर्म हो चुका है, तो जब हम शरबत बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सी उसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो शरबत पतला ही अच्छा लगता है, बट उसमें एक जो अलग से थिकनेस आती है ना, उसकी वजह से उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये हम ले लेंगे थोड़ा सी कस्टर्ड पाउडर और इसका इस तरह से घोल बना लेंगे। तो बहुत थोड़ा सी कस्टर्ड पाउडर मैंने ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ हमें इसका जो पतला थिकनेस होती है ना उसको थोड़ा सी खाली रिच करना है। तो देखें आप, दूध में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालूँगी और इस तरह इसको मूव करती रहूँगी। और इसमें बॉईल आने के बाद एक मिनट, सिर्फ एक मिनट हम इसको इस तरह से मूव करके पका के गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब जो दूध की थिकनेस होती है ना वो अलग होती है, जब हम उसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो उसकी थिकनेस अलग हो जाती है। तो बस हमें यही थिकनेस चाहिए थी, तो इसके लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सी कस्टर्ड पाउडर ऐड करी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये। तो ये मेरी फातिमा माशाल्लाह 1.5 साल की हो चुकी है और ये बोलना शुरू कर चुकी है। तो आप लोग इसकी आवाज़ सुने, क्या क्या बोल रही है। फातिमा, फातिमा कुछ बोलो। BTS। तो ये इसमें बॉईल आ चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो फातिमा को भी मेरे साथ वीडियो बनाना था इसके लिए वो चिल्ला रही थी। तो चले अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। तो बातों बातों में ना मैं इसमें शक्कर निकाल के रखी थी, ऐड करना भूल गई थी, तो इसके अंदर मैं शक्कर डाल दूंगी। तो ये गर्म है, इस तरह से इसको मैं हिला दूंगी तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी और इसे मैं ठंडा कर लूंगी। फिर तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इसमें शक्कर डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसे ठंडा कर लूंगी। तो इस तरह से हम ये शाही ठंडाई को पहले ऐड करने से पहले इस तरह से अच्छे से शेक कर लेंगे, और इसके बाद जितना हमने दूध लिया है उसका 1/3 हम ये शाही ठंडाई इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना इसका टेस्ट ना बहुत हार्ड है। और ये मैंने बादाम काट के रखी हूँ, इसमें हम बादाम ऐड कर देंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर हो जाता है ये। और देखें आप, इसकी जो थिकनेस है वो दूध और इसमें थोड़ा सी डिफरेंस है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और ये ठंडे ठंडे ना बहुत मज़े के आते हैं, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये शाही ठंडाई तैयार हो चुकी है, इसे हम फ्रिज में रख के ठंडा करके पियेंगे, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनते हैं। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी से जूस होते हैं। इसकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा, इसकी खुशबू जो होती है शाही ठंडाई की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।